बिलासपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में देरी कांग्रेस पार्टी कर रही है और विपक्षी दलों के महागठबंधन को अनुराग ठाकुर ने ठगबंधन करार दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठी पार्टी है, या फिर कहें कांग्रेस से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी भारत में नहीं है बल्कि दुनिया में कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में देरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस पार्टी का एक बड़ा नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो विपक्ष दल की तरफ से वकील के रूप में न्यायालय में पेश होता है, राम मंदिर के मुद्दे पर हर बार सुप्रीम कोर्ट में लंबी लंबी तारीखें लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या वे ये सब अपनी पार्टी के अध्यक्ष के दिशा निर्देशानुसार कर रहा है ताकि लंबी लंबी तारीखें मिलती रहें। कांग्रेस से झूठी पार्टी या कांग्रेस से ज़्यादा झूठ बोलने वाला भारत नहीं, दुनिया में कोई और नहीं। अगर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि विलंब राम मंदिर में किसी और कारण से, तो उनको देखना चाहिए जो उनकी पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और विपक्षी दल के लिए एक वकील के नाते जो सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं वो बार बार लंबी तारीखें सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं। इसका मतलब निर्देश क्या वो अपने पार्टी अध्यक्ष से लेते हैं? क्यों विलंब करवाया जा रहा है? क्या कांग्रेस नहीं चाहती राम मंदिर बने? अगर चाहती है बने तो फिर उनके नेता कोर्ट में लंबी लंबी तारीखें क्यों लेते हैं? इनका काम झूठ बोलने का हो गया है। मुद्दा कोई भी हो, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पर हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, सोनिया जी का नाम अगस्ता वेस्टलैंड में आता है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का आता है, नेशनल हेरल्ड में इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं, हजारों करोड़ रुपए की पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट करके बेच दिया जाता है, इसके जवाब कांग्रेस पार्टी को देने होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में हुए महागठबंधन पर उन्होंने कहा कि ये जो भ्रष्ट नेताओं का एक कुनबा पूरे देश में ठगबंधन बनकर घूम रहा है। उन्होंने कहा कि इस देश में एक ईमानदार सरकार आने के बाद ये अपने आप को बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। जो कल तक एक दूसरे की आलोचना करते थे आज एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये तो सिर्फ सत्ता के लालची हैं और सत्ता पाने के लिए एकजुट हुए हैं। ये जो भ्रष्ट लोगों का एक कुनबा पूरे देश भर में ठगबंधन बनाकर घूम रहा है, ये देश में एक ईमानदार सरकार आने के बाद अपने आप को बचाने के लिए किसी भी स्तर पर जाएंगे। जो कल तक एक दूसरे की आलोचना करते थे वो आज एक मंच पर इकट्ठे होते हैं। इनकी कोई विचारधारा नहीं, ये केवल सत्ता के लालची लोग हैं जो केवल सत्ता के लिए और भ्रष्टाचार के लिए एकजुट हो रहे हैं।